असल आशीष कुमार दामले, आज हम लोग देखने वाले एंटी अरिदमिक ड्रग्स के बारे में। क्लास फोर एंटी अरिदमिक ड्रग्स विच इज द लास्ट क्लास, है ना। एंड एग्जांपल्स इंक्लूड वीरापामिल एंड डेल्टिया जेन। एज वी नो दैट इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम द कॉन्ट्रैक्शन हैपन्स। ओके, सो इफ यू ब्लॉक्स एल टाइप कैल्शियम चैनल्स इट विल कॉज स्लोनेस इन द रेट ऑफ फेज फोर इन SO node and AV node. Okay, then it will cause slow conduction and prolong effective refractive period. Okay, then phase zero upstroke. Okay, so कहने का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, स्लो कंडक्शन प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा। अगर अपना कैल्शियम चैनल जो क्या है उसको ब्लॉक करते हैं तो क्या करेगा, ये कंडक्शन प्रोसेस को स्लो कर देगा और प्रोलॉन्ग द इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, फर्स्ट अपने ड्रग देखते हैं अपन इसके अंदर, विच इज वीरापामिल। ठीक है, इट हैज द स्ट्रॉन्गर एक्शन ऑन द हार्ट देन स्मूथ मसल। ओके, इट इज हार्ट सेलेक्टिव एंड यूज इन सुपरावेंट्रिकुलर अरिथमिया। ओके, इट इंक्लूड्स वॉट, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड पैरोक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन। देन डोज इज 80 to 120 mg 3 times a day। एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड एंकल ओडीमा, मीन्स हमारे ईडी में क्या हो जाएगा, सूजन आ सकती है एंड कॉन्स्टिपेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन इंक्लूड्स इट कैन कॉज एवी नोड ब्लॉक, ओके, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, हाइपोटेंशन एंड डिजिटॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ठीक है, एंड डेल्टिया जेन विच इज द नेक्स्ट ड्रग, इट हैज मिक्सड एक्शन। ओके, मीन्स मिक्सड एक्शन इन द सेंस इट हैज बोथ फाउंड टू हैव decrease in the effective refractory period, okay, and slow down the conduction process. Its oral dose is 30 to 90 mg 6 hourly, means in every 6 hours we can choose the dose of 30 to 90 mg. Then some of the other drugs also which can slow down the conduction process, or we can say that it can slow down the action potential of the heart. First is the adenosine receptor. एडेनोसिन व्हाट इज इट, इट इज़ अ नेचुरली ऑकरिंग न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो हमारे हार्ट में क्या रहते हैं, एसओ नोड में, एवी नोड में, सब जगह जो हार्ट में क्या रहते हैं, एडेनोसिन रिसेप्टर्स रहते हैं। ठीक है, अगर अपन पर्टिकुलरली A1 टाइप ऑफ एडेनोसिन रिसेप्टर्स, अगर एडेनोसिन हमारा ड्रग है वहाँ जाके बाइंड होता है, और ये रिसेप्टर्स कहाँ पर आ जाते हैं, हार्ट में, एसओ नोड, एवी नोड में, तो क्या करेगा ये जो कंडक्शन प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करेगा। अगर कंडक्शन प्रोसेस को स्लो डाउन किया तो क्या करेगा, ओवरऑल इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को भी स्लो डाउन करेगा। ERP को अगर ये स्लो डाउन किया तो क्या करेगा, हमारा ऑटोमेटिकली एक्शन पोटेंशियल भी उसका रेट रिड्यूस हो जाएगा, है ना। इट इज ऑल्सो यूज इन री एंट्री सर्किट विच इज द कॉज ऑफ अरिथमिया एंड ऑल्सो इन PSVTs and SVTs, which stands for ventricular tachyarrhythmias, and it has an ultra short T-half, approximately 10 to 20 seconds. Adverse effect iska ho sakta hai, facial flushing, short breath, bronchus mass and metallic taste, and also it has the dipyridamole like action. We can give also in 3 mg by IV route. Okay. This is all about adenosine. And next is the magnesium. Magnesium, it plays an important role in the movement of ions in inside or outside of the cell. What type of ions? Sodium, potassium, calcium, etc. So it can also block sodium potassium activase, which can cause the retention of the sodium ions. So we can say that extra ions, we can resist the extra sodium ions to come into the cells. Okay, then it can be used in the ventricular tachyarrhythmias, digitalis induced toxicity and torsades de pointe. Then potassium, okay, it is, potassium can be used for normal conduction, increase in the duration of effective refractive period and automaticity. And hypokalemia, जब हमारा जो
फॉर एग्जाम्पल फेज 3 है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, पोटेशियम क्या सेल के आउटसाइड चले जाता है, तो इस कंडीशन में अपन नॉर्मल पोटेशियम दे के भी हाइपोकैलेमिया जो है उसको रोक सकते हैं, इससे क्या हो जाएगा पोटेशियम जो लेवल्स है वो बढ़ जाते हैं, है ना। फिर देखते हैं अपना दो टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है, अरिथमियाज में एक्यूट थेरेपी एंड क्रॉनिक थेरेपी। तो हमारा एक्यूट थेरेपी में देखते हैं क्या है, फर्स्ट टाइप का अरिथमियाज है एट्रियल फिब्रिलेशन, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस या फर्स्ट चॉइस अपन एस्मोलॉल को लेते हैं, ऑल्टरनेटिव्स कैन बी वीरापामिल। देन सेकंड पैरोक्सिस्मल वेंटिकुलर टैकीरिथमिया, इसका फर्स्ट चॉइस रहता है एडिनोसिन, देन सेकंड चॉइस में भी एस्मोलॉल डिल्टियाजम एंड वीरापामिल। फॉर थर्ड इज वेंटिकुलर टैकीरिथमियाज, फर्स्ट चॉइस विल बी लिडोकेन और कार्डियोवर्जन, है ना। देन ऑल्टरनेटिव्स कैन बी प्रोकेनामाइड मैक्सिलेटिन और एम्योडेरोन। फोर्थ इज टॉर्साडीज डी पॉइंट, फर्स्ट चॉइस पेसिंग, देन सेकेंड में भी आइसोप्रिनालिन एंड मैग्नीशियम। फिफ्थ इज वेंटिकुलर फिब्रिलेशन, देन फर्स्ट चॉइस इज इलेक्ट्रिकल डीफिब्रिलेशन। ओके, ऑल्टरनेटिव्स ड्रग्स कैन बी लिडोकेन और एम्योडेरोन। सिक्स्थ इज WPW, है ना, फर्स्ट चॉइस विल बी वार्डियो कार्डियो वर्शन, ऑल्टरनेटिव्स में भी एम्योडेरोन प्रोपाफेनोन एंड प्रोकेनामाइड। ओके, दिस आर द एक्यूट थेरेपी। इन दिस चार्ट इट इज डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट चॉइस, मीन्स फर्स्ट विच विल गिव द एक्यूट थेरेपी विल बी द वॉट फेवरेबल। ओके, फर्स्ट चॉइस ड्रग्स विल बी फेवरेबल और फर्स्ट कंडीशन विल बी फेवरेबल, देन इफ इट डोंट वर्क वी कैन गिव द ऑल्टरनेटिव्स। सेकेंड इज क्रोनिक थेरेपी, मीन्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इफ डिजीज इज नॉट बीइंग क्योर्ड वी कैन गिव क्रोनिक थेरेपी, इन दैट फॉर आर्टरियल फिब्रिलेशन डिजॉक्सिन विल बी द फर्स्ट चॉइस, देन ऑल्टरनेटिव्स में बी प्रोप्रानोलॉल। देन सेकेंड इज पैरोक्सिस्मल वेंटिकुलर टैक अरिथमिया, इन दिस फर्स्ट चॉइस कैन बी डिजॉक्सिन वीरापामिल प्रोप्रानोलॉल, देन ऑल्टरनेटिव्स में बी प्रोपाफेनॉन। थर्ड इज वेंटिकुलर टैकीअरिथमियाज, द फर्स्ट चॉइस कैन बी एम्योडेरोन एंड डोफेटिलाइड, ऑल्टरनेटिव्स कैन बी मैक्सिलेटिन प्रोप्रानोलॉल और प्रोपाफेनॉन। देन फोर्थ इज टॉर्साडीज डी पॉइंट, फर्स्ट चॉइस कैन बी प्रोप्रानोलॉल, सेकेंड विल बी पेसिंग, ओके, मीन्स बाय द हेल्प ऑफ पेस मेकर्स। देन फिफ्थ इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, फर्स्ट चॉइस कैन बी अम्योडोरॉन ड्रग, ओके, देन सेकेंड में भी प्रोकेनामाइड और डोफेटिलाइड। सिक्स्थ इज WPW, ओके, फर्स्ट चॉइस में भी अम्योडोरॉन और प्रोप्रानोलॉल, अल्टरनेटिव्स में भी क्विनिडिन और प्रोपाफेनॉन। सो दीज आर ऑल अबाउट क्रोनिक थेरेपी इफ डिजीज इज नॉट, मीन्स डिजीज इज प्रोलॉन्ग इन अ ह्यूमन बॉडी, ओके, इफ इट इज फॉर 5 to 10 years, ओके, सो वी कैन गिव द क्रॉनिक थेरेपी बेस्ड अपॉन दिस चार्ट। ओके, देन ड्रग्स दैट प्रोलॉन्ग QT इंटरवल, वॉट आर द अलग, मीन्स अलग अलग टाइप के हमारे जो ड्रग्स हैं, ठीक है, तो क्या वो भी क्या QT इंटरवल को उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं इस पीरियड को, है ना। तो एंटी अरिथमिक ड्रग्स की बात करें तो कौन कौन प्रोलॉन्ग करता है, क्विनिडीन, है ना, प्रोकेनामाइड, डाइसोपारामाइड, प्रोपाफिनोन, एम्योडेरोन। देन इन एंटीमाइक्रोबियल क्विनिन, मेफ्लोक्विन, आर्टिमिसिनिन, स्पारफ्लोक्सेक्सिन एंड गेटिफ्लोक्सेसिन। इन एंटीहिस्टामिनिक्स टर्फिनाडिन, एस्टिमिजोल, इवेस्टिन। देन इन एंटी डिप्रेजेंट एमीट्रिप्टाइलिन एंड एंटीसाइकोटिक्स थायोरिडाजीन एंड रिसपेरिडोन। फिर फोर्थ है प्रोकाइनेटिक्स, इस विज सीसा प्राइड। चलो, एंड दिस आर ऑल क्लास ऑफ ड्रग्स वी कैन से दैट इट प्रोलॉन्ग्स द क्यूट इंटरवल। देन रेफरेंसेस वी हैव टेकन फ्रॉम दिस, एंड थैंक यू ऑल। सो दिस आर ऑल अबाउट एंटी अरिथमिक ड्रग्स। वी हैव सीन अप टू नाउ ऑल क्लासेस ऑफ ड्रग्स, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ओके, एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट न्यूअर ड्रग्स विच कैन बी हेल्पफुल फॉर द ट्रीटिंग ऑफ अरिथमिया। ओके, सो थैंक यू ऑल।